तो बच्चों अभी तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट सीख चुके हैं कि किस तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट को कुछ बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर बहुत जल्दी फिनिश किया जा सकता है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा वो हमारी प्लेलिस्ट 12 2017 18 वहाँ पर जाके पी ब्लॉक के सभी वीडियोस वहाँ देख सकते हैं। आइए आज बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेट कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेट कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्सेस एक कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है। पहले आपको कंसेप्ट सीखने होंगे, अगर आपके कंसेप्ट बेस्ट हो जाएंगे तभी आप इस चैप्टर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नीट जेई हर तरह के एग्जामिनेशन में यहाँ से हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके हर तरह के एग्जामिनेशन के लिए। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया जा सकता, पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर ये रहेगा। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या फर्क होता है। देखिए इस चैप्टर में यही बात आपको सीखनी है। आपके पास है अमोनियम सल्फेट 6H2O, साथ में है फेरस सल्फेट। हमारे पास दो सॉल्ट हैं, हम इन दोनों सॉल्ट को मिलाते हैं तो हमारे पास बनता है FeSO4 अमोनियम सल्फेट 6H2O, ये हमारे पास फॉर्म होता है। यहां हमने देखा दो सॉल्ट को हमने ऐड किया, हमारे पास एक नया चीज बनी, इसे डबल सॉल्ट कहा जाता है। इस डबल सॉल्ट में हर एक एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है। अगर आप यहां आयरन का टेस्ट करना चाहें टेस्ट मिलेगा, सल्फेट का टेस्ट करना चाहें जरूर मिलेगा, अमोनियम का भी टेस्ट आपको मिलेगा। यानी डबल सॉल्ट में आप हर स्पीशीज का टेस्ट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या अपने शब्दों में हम कहें कि डबल सॉल्ट ईच स्पीशीज रिटेन इट्स आइडेंटिटी, ये कहा जा सकता है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्सेस यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड, आपके पास है 4KCN FeCN होल ट्वाइस। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो चीज बनती है इसे कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। यहां भी दो सॉल्ट मिक्स किए, यहां भी दो मिक्स किए, लेकिन दोनों में फर्क है। यहां पर जो स्पीशीज बनती है वहां जो भी एटम इस ब्रैकेट के अंदर आएगा वो अपनी प्रॉपर्टीज का लॉस करेगा। यानी अगर आप आयरन को डिटेक्ट करना चाहें टेस्ट करना चाहें आप इसे टेस्ट नहीं कर सकते, आप साइनाइड का टेस्ट करना चाहें आप साइनाइड का टेस्ट नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स में जो भी स्पीशीज इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होती है वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी का लॉस कर देती है, उसे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। लेकिन डबल सॉल्ट में आप हर स्पीशीज का टेस्ट कर सकते हैं, उसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन आता है कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के बीच का डिफरेंस यहां से आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है कि आपने दोनों सॉल्ट को मिक्स किया, ये आयरन का टेस्ट दे रहा है, आपने कॉपर के सॉल्ट को मिक्स किया वो कॉपर का टेस्ट नहीं दे रहा, क्या डिफरेंस है? तो आप समझ जाओ जहां टेस्ट मिल रहा है वो डबल सॉल्ट है और जहां टेस्ट नहीं मिल रहा उसे आप कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नाम से पहचानेंगे, कहा जाएगा। तो इस तरीके से डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस हुआ। कॉम्प्लेक्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं जिन्हें परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है जहां पर आप सेंट्रल मेटल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। यानी हम कितने ही कोशिश कर लें, कोई सा मेथड अडॉप्ट कर लें, हम सेंट्रल मेटल के लिए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट नहीं बता सकते, ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहलाया जाता है। दूसरी तरफ आते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ध्यान रखें यहां पर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट किसी ना किसी तरह से किया जा सकता है। डायरेक्टली टेस्ट करना मुश्किल होता है लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी तरह से डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कर ही सकते हैं, कुछ स्पेशल मेथड अडॉप्ट करा के कर सकते हैं। यानी अनस्टेबल टाइप का ये कॉम्प्लेक्स होता है। और तीसरी तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं जिन्हें लिबाइल कॉम्प्लेक्स के नाम से पहचानते हैं।
लिबाइल कॉम्प्लेक्स का मतलब है जहां लिगेंड्स को बदला जा सकता है। जैसे सपोज आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स है, आपने यहां पर क्या किया, अमोनिया से रिएक्शन करवाई, अमोनिया वाटर को बाहर निकाल देगा। तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जहां लिगेंड्स को बदला जा सकता है उसे हम लिबाइल कॉम्प्लेक्स के नाम से पहचानेंगे। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स क्या है, डबल सॉल्ट में डिफरेंस क्या है, और उसके साथ साथ हमने देखा कॉम्प्लेक्स की टाइप क्या है। आइए अब फर्दर आगे सीखते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में, इनके कंपोनेंट क्या हैं, पार्ट क्या हैं। चलिए चलते हैं, सीखते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड पार्ट वन की। देखिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा किसे जाता है, पहले हमें इस बात को समझना है। सपोज हमारे पास कंपाउंड है NaCl3 6H2O, और इस कंपाउंड को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस तरह से जिस भी कंपाउंड को लिखा जाता है, जहां भी इस तरह के ब्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं, उसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा जाता है। जो भी इस ब्रैकेट के अंदर है इसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी या इसे कोऑर्डिनेट स्फीयर के नाम से पहचाना जाता है, और जो इसके बाहर प्रेजेंट होता है इसे आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन के नाम से जाना जाता है। जो बाहर है आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन के नाम से जाना जाएगा। यह चीज आयंस की फॉर्म में बाहर जा सकती है, इसीलिए इसको आयनाइजेशन स्फीयर कहा जाता है, और यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट स्फीयर कहा जाता है। थोड़ा सा और बेटर वे में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसी कंपाउंड को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहां हमारे पास वॉटर, इधर वॉटर एंड सो ऑन, इस तरह से वॉटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, यहां एक और एंड सो ऑन। नाउ इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट है वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए अटैच है, और इसी वजह से इन्हें कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा जाता है, और स्फीयर को कोऑर्डिनेट स्फीयर, और जो ब्रैकेट के बाहर है ये आयनिक बॉन्ड से कनेक्ट होता है। जितने भी स्पीशीज ब्रैकेट के बाहर हैं, इन्हें प्राइमरी वैलेंसी के नाम से पहचाना जाता है। इसी कंपाउंड को नॉर्मली ऐसे भी लिखा जाता है, तो जो मेटल के साथ लिखी है ये प्राइमरी वैलेंसी कहलाई जाएंगी, जो आयनिक बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होती हैं, और ये जो बाहर यहां सिक्स वॉटर, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ब्रैकेट की फॉर्म में, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इसे सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाता है। तो अब आपके पास क्वेश्चन तैयार होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल का मतलब हुआ जो मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाए, और जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए उसे हम सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से पहचानेंगे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, काउंटर आयन, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये टर्म हमारी यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए। साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, ध्यान रखिए, और सभी वीडियो लेक्चर्स को सही ढंग से समझने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को गौर से एक्सप्लोर कीजिए, वहां पर आप सभी वीडियो लेक्चर्स को देख पाएंगे। अब एक और बात, जो भी स्पीसीज मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अटैच होती है इस स्पीसीज को लिगेंड के नाम से पहचाना जाता है। लिगेंड, तो लिगेंड का मतलब हुआ स्पीसीज विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल एटम, इसे लिगेंड के नाम से पहचाना जाएगा। लिगेंड की टर्म यहां से क्लियर होनी चाहिए। कोई भी लिगेंड
कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इसे डेंटिसिटी कहा जाता है। इसे हम डेंटिसिटी के नाम से जानते हैं। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है डेंटिसिटी वन, अगर यही सब्सटेंस दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता डेंटिसिटी टू, तो कोई भी लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसे उसकी डेंटिसिटी कहा जाता है। अगर कोई लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसे यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड के नाम से पहचानते हैं। तो वाटर यहां पर कैसा लिगेंड हुआ, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और अगर ये एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इसे हम पॉलीडेंटेट लिगेंड के नाम से जानेंगे। तो यूनिडेंटेट और पॉलीडेंटेट क्या हुआ कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई लिगेंड बनाता है। पॉलीडेंटेट में जैसे ये हमारे पास है इथाइलीन डायनीन, इथाइलीन डायनीन को आइदर ऐसे लिखते हैं या सिंपली इसे ईएन की फॉर्म में लिखा जाता है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से, इथाइलीन डायमीन इसे कहा जाएगा। ऐसे ही हमारे पास है ऑक्सिलेटो, इसे ऑक्सिलेटो या ओएक्स के सिंबल से पहचाना जाता है, यह भी दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। और इसी तरह से एक और है हमारे पास, इसे हम ग्लाइसिनेटो लिगेंड के नाम से पहचानते हैं और इसे GLY के नाम से लिखा जाता है। तो जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाए, अगर दो बॉन्ड बनाएगा बाइडेंटेट, तीन बनाएगा ट्राइडेंटेट, चार बनाएगा टेट्राडेंटेट एटसेट्रा। पॉलीडेंटेट लिगेंड में हम देख सकते हैं कि इथाइलीन डायमीन को एग्जैक्ट टू हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, ऑक्सिलेटो को भी एग्जैक्ट टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे पॉलीडेंटेट लिगेंड को हम सिमेट्रिकल लिगेंड के नाम से पहचानेंगे। तो सिमेट्रिकल लिगेंड ध्यान रखें, पॉलीडेंटेट लिगेंड जिसे आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन ग्लाइसिनेटो को देखें, आप किसी भी तरह से डिवाइड कर लें, आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। ऐसा लिगेंड जो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड ना हो उसे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के नाम से पहचाना जाएगा। तो कई तरह की टर्मिनोलॉजीज यहां क्लियर होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसे कहते हैं, जहां मेटल से काफी स्पीसीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए अटैच हो उसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। मेटल की दो तरह की वैलेंसी होती है यहां पर, आयनिक और कोऑर्डिनेट। आयनिक वैलेंसी को प्राइमरी वैलेंसी कहा जाता है, कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड वैलेंसीज को हम सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से पहचानते हैं। जो भी स्पीसीज मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है उसे लिगेंड, और लिगेंड हमारे पास दो टाइप, यूनिडेंटेट पॉलीडेंटेट। सिमेट्रिकल लिगेंड अनसिमेट्रिकल ये यहां से याद रखें। अब एक दो बातें और यहां पर आपको याद रखना है, एम्बीडेंटेट लिगेंड, ये एग्जाम्स में एक एक नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं कि एम्बीडेंटेट लिगेंड किसे कहते हैं। तो एम्बीडेंटेट की डेफिनेशन ध्यान से याद कीजिएगा, अ मोनोडेंटेट लिगेंड विच कैन फॉर्म बॉन्ड फ्रॉम मोर देन वन साइड, यानी ये लिगेंड एक बार में सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा लेकिन एक से ज्यादा तरफ से बॉन्ड बना सकता है। जैसे हमारे पास साइनाइड है, साइनाइड कार्बन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है, एक बार में एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो इसे हम एम्बीडेंटेट कहेंगे। नाइट्रो नाइट्रोजन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसा लिगेंड जो एक बार में एक ही बॉन्ड बनाएगा लेकिन एक से ज्यादा तरफ से
इसे एम्बिडेंटेड कहा जाएगा। एग्जामिनेशन मटेरियल है ये। ये सभी क्वेश्चन एक एक नंबर में भी, और जहां 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पार्ट्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी तरह से अगला आता है ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड किसे कहा जाता है? ब्रिज लिगेंड का मतलब है एक ऐसा लिगेंड जो साइमल्टेनियसली दो मेटल एटम के साथ कनेक्ट होता है। एक ऐसा लिगेंड जो साइमल्टेनियसली दो मेटल, दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, इनके साथ कनेक्ट होता है, इसे हम ब्रिज लिगेंड के नाम से पहचानते हैं। सो एम्बिडेंटेड लिगेंड हो गया, ब्रिज लिगेंड याद रखना। ऐसे ही हमें एक और डेफिनेशन याद रखनी है, इसे चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। चिलेटिंग लिगेंड, चिलेट शब्द रिंग फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और चिलेटिंग लिगेंड का मीनिंग हुआ एक ऐसा लिगेंड जो जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है एक रिंग फॉर्मेशन होती है। जैसे ये है हमारे पास इथाइलिन डायमीन, और इथाइलिन डायमीन जब किसी भी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एक रिंग फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगी। चिलेशन हो गया, रिंग फॉर्मेशन हो गई, ऐसे लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड कहा जाएगा, और ऐसे कॉम्प्लेक्स को मेटल चिलेट कहा जाता है। ये तीनों की तीनों चीजें बोर्ड एग्जाम्स में एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। देखिए, मैं आपको स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताता, यही आप बच्चे गलती करते हैं कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते हैं। आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना चाहिए कि एग्जामिनर किस तरह से सोचते हैं, और 1998 से लेके अब तक कम से कम हम इतना तो जान ही चुके हैं कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चलता है, एग्जामिनर क्या पूछना चाहते हैं। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन सही, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें। 3 डेफिनेशन और बता के इस वीडियो लेक्चर को फिनिश करते हैं। एक डेफिनेशन है होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। नाउ इनका मीनिंग अब आप किस तरह से याद रख पाएंगे? होमो स्टैंड्स फॉर सिमिलर टाइप एंड हेट्रो स्टैंड्स फॉर डिफरेंट। ऐसे याद रखिएगा, एल फॉर लिगेंड, ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड है होमोलैक्टिक, और ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां डिफरेंट लिगेंड है हेट्रोलैक्टिक। सपोज मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है, और एक कॉम्प्लेक्स मेरे पास ये है H2O Cl3 Br3। यहां सभी लिगेंड्स एक जैसे हैं, लिगेंड्स को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यहां डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हैं, इसे हेट्रोलैप्टिक, और सिमिलर टाइप है तो इसे होमोलैप्टिक। और लास्ट डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग है किसी भी मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड अटैच हैं, उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। कितने लिगेंड्स अटैच हैं वो नहीं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड अटैच हैं उसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। जैसे निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। तो इस वीडियो लेक्चर में कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक डेफिनेशन आपको बताएंगे, और इन सभी डेफिनेशंस को आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। इनमें से कुछ ना कुछ आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। देखिए, सोचा है कि कुछ करना है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, लेकिन सिस्टमैटिक मैनर में। रिमेंबर स्टेप बाय स्टेप यू गॉन अहेड एंड कम सून वेरी फास्ट। आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है, और तुरंत ही आप देखेंगे कि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक स्टेप तो आपको उठाना पड़ेगा। कोई भी चैप्टर एक दिन में खत्म नहीं होता, लेकिन अगर बेस मजबूत हो, फाउंडेशन मजबूत हो,
तो डेफिनेटली आप उस चैप्टर को चुटकियों में खत्म कर डालेंगे, ये याद रखिएगा। देखते रहिए अगले वीडियो लेक्चर में, पार्ट टू के अंदर हम क्या लेके आते हैं, कुछ ना कुछ तो आपके लिए उसके अंदर हम इजी वे में लेके ही आएंगे।